विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने रह गए हैं ऐसे में दुर्ग जिला भाजपा ने शहर की विकास कार्य को लेकर दुर्ग शहर सरकार व स्थानीय विधायक की कार्यशैली से नाराज होकर दोनों को घेरने की तैयारी कर ली है दुर्ग जिला भाजपा द्वारा आगामी दिनों में शहर सरकार और राज्य सरकार को घेरने की क्या रणनीति बनाई गयी है इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के चौहान आइए देखते हैं जिला भाजपा के उपाध्यक्ष के एस चौहान से हुई बातचीत के साथ नमस्कार दर्शकों ग्रैंड एसी न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मन की बात या कह लें एक खास मुलाकात में एक बार फिर हमारे साथ आज मौजूद हैं केस चौहान जी जी हाँ केस चौहान सर जो हैं वो पूर्व में मीडिया प्रभारी रह चुके हैं पर अभी वर्तमान में मीडिया पैनलिस्ट प्रदेश स्तर पे हैं और साथ ही जिला उपाध्यक्ष भी ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं हम इनसे कुछ दुर्ग के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक कुछ विकास कार्यों की चर्चा के साथ हमारे साथ हाजिर हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद दुर्ग के विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास की दृष्टि से दुर्ग काफी पिछड़ा नजर आता है क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल और जो उस क्षेत्र का विकास होता है तो कहीं हद तक वो शासन और प्रशासन जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता है एक सोच के हाथ में होता है जो सोच बढ़ाती है किसी क्षेत्र को जो क्षेत्र अपने आप नहीं बढ़ता क्योंकि मिट्टी को मूर्त रूप देने के लिए पहले सोच रहती है तब उसकी मूर्ति बनाई जाती है तो इसमें शासन और प्रशासन का बहुत ज़्यादा मतलब नजारा रहा जो काम करने चाहिए थे इन सात आठ सालों में वो नहीं हो पाए और इसके कारण थोड़ा सा पिछड़ा लगता है आज जो सुविधाएं होनी चाहिए थी दुर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम ही है ही लेकिन जो उनकी प्राकृतिक संसाधन है उसके बावजूद भी दुर्ग आज पिछड़ा है अगर देखा जाए आप दुर्ग रहवासी हैं समस्याएं है क्या क्या ऐसी हैं जो ज़्यादातर घर घर जा रही नज़र आती है कि ये समस्याएँ देखिए समस्याएँ बहुत है हैं लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है मेन है जनप्रतिनिधि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला फर्स्ट जनप्रतिनिधि है दूसरा जनप्रतिनिधि में एक विजन होना चाहिए विजन और टेलीविजन में फर्क होता है एक सुनी सुनाई बात करते हैं लेकिन एक सुझी सुझाई बात करते हैं विजन मतलब नेता शब्द जो है वो नेत्र से बना है नेत्र मतलब विजन वो वो देख सके कि जो आम जनता नहीं देख सकती और आगे उसका क्या परिणाम होगा इमेजिनेशन कैसे कर पाएगा वो वो देख सके और उसको वो मूर्त रूप में डाल सके उसके बाद उस उस क्षेत्र का विकास कर सके वो है नहीं उनके पास तो एक तो ये है प्रॉब्लम और दूसरी बात यह कि राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो शासन जो जो राज्य सरकार ने भूपेश सरकार ने पैसा देना चाहिए था दुर्ग को वो अभी तक नहीं दिया जो फंड वो दूसरी जगह लगा रहे हैं वो दुर्ग शहर में नहीं लगा रहे हैं दुर्ग ग्रामीण में नहीं लगा रहे हैं दुर्ग ग्रामीण में भी थोड़ा बहुत लगाए हैं लेकिन दुर्ग शहर तो नजारत है सर बीच में कुछ कहना चाहूँगी सीएम भूपेश बघेल के बारे में भी आपने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों के लिए इसे नज़रअंदाज किया है एक तरह से ऐसा क्यों क्योंकि महापौर भी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कहलाने वाले हैं और दूसरा विधायक भी उन्हीं के पार्टी के हैं और देखा जाए तो ग्रामीण विधायक भी उन्हीं के हैं तो फिर ऐसा दूजा भाव क्यों जी, एक होती है पर्सनल पावर और एक होती है पोजिशनल पावर आप पोजिशनल पावर तो आपके पास है लेकिन आपकी पर्सनल पावर नहीं है तो पर्सनल पावर जब तक नहीं रहेगी जैसे हमारी सुश्री सरोज पांडे जी महापावर होते हुए उन्होंने जब उस समय जोगी की सरकार थी दिन दिन भर वहां पर बैठ के वो यहाँ के लिए फंड लाती थी और यहाँ पर लगाती थी और उनके कार्यकाल में हम सब जानते हैं कि कितना कितना विकास हुआ है आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी ने और महापौर जी ने क्या काम किया ऐसा ऐसी कौन सी उपलब्धि की है जिसको हम याद रखे जनता याद रखे जनता की ऐसी कौन सी सौगात दी है आप बोलते हैं कि फ्ला, फ्लावर शो फ्लावर शो में आपने इतने पैसे लगा दिए वो फ्लावर शो की जगह वो फ्लावर शो की जगह वो दूसरी जगह पैसे लग सकते थे किसी की रोजगार में पैसा लग सकते थे ठेले खोमची आप खोल सकते थे आप आप लोगों को दे सकते थे जिससे रोजगार पैदा हो सकता था दूसरी सुविधाएं दे सकते थे आपने ऐसा कुछ नहीं किया आपने सिर्फ लीपा पोती का काम किया आपने किया कि सिर्फ चकाचौंध दिखा के आप अंदरूनी जो जो चीज़ें थी वो उसको खोखला कर, करते जा रहे हैं सिर्फ ऊपरी चकाचौंध दिखा रहे हैं तो आपका आपके अंदर ना इतने गट्स हैं कि आप भूपेश सरकार खुद की सरकार से आप फंड ला सकें और आप यहाँ पर उस फंड को ठीक जगह यूटिलाइज़ कर सकें ये भी चीज़ आपने नहीं है तो ये दोनों चीज़ ना आप फंड ला सकते हैं ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ना ही अपनी अपनी बात बता सकते हैं अपनी बात बोल सकते हैं विधानसभा सत्र में बोल सकते हैं कुछ नहीं आपने किया क्या है आप डरते हैं कि अगर मैं अपनी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलूँगा या डिमांड उठाऊँगा तो मेरे को अगली टिकट नहीं मिलेगी मेरी राजनीतिक कैरियर ख़राब हो सकता है मैं अपने खुद के राजनीतिक कैरियर के लिए आपने एक शहर को दांव पर रखा हुआ है आपको, आपको एक जन प्रतिनिधि होने के नाते अपना कर्तव्य निभाना चाहिए जो कि आप नहीं निभा रहे डिवाइडर का मुद्दा अगर देखें तो काफ़ी गहराया हुआ है हाल ही में व्यापारी संघ चेंबर के भी पदाधिकारियों ने इसकी आवाज़ उठाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन का दौर भी चला डिवाइडर ऐसा क्या मुद्दा है इसको प्रमुखता से उठाया क्यों नहीं जा रहा है हाल ही में क्योंकि विधायक वोरा ने भी बयान दिया था कि भाजपा के शासनकाल में बनाया गया था इसको लेकर संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है देखिए भाजपा भाजपा के शासनकाल में ये सोच आई थी बिल्कुल आई थी लेकिन भाजपा जिस हिसाब से कार्य करना चाहती थी एक सोच के साथ डिवाइडर वो समय मतलब ये डिवाइडर होना या ना होना ये वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है ये मैं मानता हूँ कि डिवाइडर होना चाहिए लेकिन उसके लिए आपको पार्किंग की व्यवस्था करवानी चाहिए थी आपको स्थानांतरण जो जो टेलीकॉम वाले हैं उनको व्यवस्थापन की जगह आपको देनी चाहिए थी वो आप नहीं दे पाए आप कन्वेंस नहीं कर पाए दूसरा आप ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं कर पाए और सिस्टमेटिकली नहीं बनवा पाए आप आज की डिवाई आज डिवाइडर में क्या बोलते हैं आपकी डिवाइडर अगर कट गया तो कितने मेरे वोट कटेंगे ये आपको जहन में रख जी आप जहन में रखते हैं और डिवाइडर अगर बना रहा तो मेरे वोट कितने कटेंगे जिसमें कम वोट कटेंगे वो आप कैलकुलेशन करके वही काम आप करेंगे लेकिन जनता के से कोई सरोकार नहीं है भले ही जनता आप उससे परेशान हो या ना हो आपको इससे कोई सरोकार नहीं है आपको जो बिजली के खंभे थे उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए था नाली की व्यवस्था करनी चाहिए थी फुटपाथ की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो आपने किया नहीं इसलिए डिवाइडर जो आज बना हुआ है पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो आपने की नहीं तो इस वजह से डिवाइडर जो बना हुआ है आज लोगों के मतलब आ, लोगों के व्यापार को प्रभावित कर रहा है जिसके कारण एक सोच आगे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया आपने इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और आप वही करेंगे जिससे आपकी वोटों की राजनीति कैलकुलेशन हो सके वही आप करने वाले भले वो टूटे भले वो रहे डिवाइडर की सवाल पर आपने अच्छा जवाब दिया अगर बात करें क्षेत्रीय विधायक की तो ऐसा चर्चा सरा सरेआम रहती है कि विधायक से काफ़ी नाराजगी लोगों की देखी जाती है कारण क्या लगता है विधायक से नाराजगी रहेगी देखिए दो चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पावर और पोजिशनल पावर और पर्सनल पावर जैसे आप कलेक्टर के लायक नहीं हैं और आप उसमें बैठ गए तो जनता नाराज़ होगी होगी कि नहीं होगी आपसे होगी ही होगी लेकिन अरुण वोरा जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वो एक भाई अच्छे हो सकते हैं एक पिता अच्छे हो सकते हैं एक घर के सदस्य अच्छे हो सकते हैं लेकिन वो जनप्रतिनिधि होने के लायक हैं या नहीं हैं वो बात की बातें आज 2018 में भी आप मैं बता दूं आपको कि जो उनको वोट मिले वो 2018 में जो वोट मिले वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया या जनप्रतिनिधि को वोट नहीं दिया लोगों ने उनके मैनोफेस्टो को वोट दिया था शराबबंदी को वोट दिया था शराबबंदी कर रहे थे आप 2500 बेरोजगारी भत्ता कर रहे थे आप आप बिजली बिल हाफ कर रहे थे आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर रहे थे आप।, आप दो साल का बोनस दे रहे थे आप किसानों को ऐसे करके पूरे जो मेनोफेस्टो थे आपके उसके कारण वो वोट दिया है किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दिया आज जैसे ये मोरा जी की हालत है जो लोग जो लोग उनसे खफा हैं वैसे दूसरे लोग दूसरी जगह भी खफा हैं दूसरे चालीस प्रतिशत जो इनके जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं पूरे प्रदेश में शाहीन जी उससे लोग आज खफा हैं नेगेटिव रिपोर्ट आई है तभी मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह भ्रमण करने का निर्णय लिया और सभी जगह भ्रमण उन्होंने किया वहाँ पर भी उनको काले झंडे दिखाए गए काले कपड़े दिखाए गए और अनाप शनाप वार्तालाप हुआ उनसे कुछ उन्होंने बोला कुछ उन्हों पब्लिक ने सुनाया वो हम सभी जानते हैं और रही बात हमारे दुर्ग शहर की तो दुर्ग शहर में आप उस पद के लायक नहीं थे जो पचास साल से एक ही एक ही इंसान को एक ही घर में आपको टिकट दी जा रही है क्या वहाँ पर मेरे को दूसरी पार्टी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन हम क्या होता है कि जब जनता उसका असर पूरा जनता को आता है अगर कोई जनप्रतिनिधि बनेगा तो उसका असर जनता को जनता के ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह परिक्रमा की बात हो जाती है पराक्रम की नहीं होती है अगर आप पराक्रम पराक्रमी हैं तो आप परिक्रमा से बच जाएंगे और पर, परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है आपको और परिक्रमा से आप टिकट ले आते हैं और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है इसलिए जनता नाराज़ है आज आप ये बताइए कि उनके मतलब इशारों पे रहने वाले उनके इशारों पे काम करने वालों को आ, आ, आप आ, पर बना दिया जाता है दूसरे भी बहुत काबिल लोग थे पर बनाने के लिए लेकिन उनको बनाया नहीं जाता है फिर वही बात हो गई औकात और हैसियत जिसकी औकात नहीं उसको हैसियत मिल जाती है तो उसका असर जो है वो जनता भुगतती है और वो भुगतती रहेगी आप जिला उपाध्यक्ष बने हैं और अभी पार्टी को रिचार्ज करने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने उनमें जोश भरने का कैसा प्रयास करें देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है कि वो जागरूकता फैलाए आज जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं आज आप अमृत मिशन ले लीजिए आज आप रोड ले लीजिए जो हाईवे है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए तो वो केंद्र का पैसा लग रहा है आज आप मोर आवास मोर जो मोर आवास मोर बकान जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी की उसमें जो पैसा आया था वो राज्य सरकार ने वापस कर दिया इसके कारण लाखों परिवार आज रोड में हैं उनको घर नहीं मिला वो जो कि घर मिल सकता था जो कि उनका हक था वो राज्य सरकार भूपेश सरकार के कारण उनका मकान रह गया और वो फंड वापिस चले गया दूसरा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच से ही राजनीति करती है और उसी सोच के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी राज करती है राजनीति करती है उस लक्ष्य के लिए और कांग्रेस का लक्ष्य ही राज, आ, राज करना है राजनीति होती है राज्य की नीति लेकिन वो राज की नीति बना के राज करने की नीति बना के रख दिया है उन्होंने लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये मूल अंतर है और ये लोगों तक पहुंचाना है जन जन तक पहुंचाना है भूपेश सरकार की नाकामियों को पहुंचाना है जो आपने वादा किया था और जो वादा जब किया था आपने और वो पूरा नहीं किया है वो आपकी मांग थी वो आपका वो आपकी मांग नहीं थी वो आपका हक हाँ था जो आपकी हक हाँ नहीं मिला है उन उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे और 2023 में जनता माकूल इनको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों के जवाब आपने काफ़ी बेबागी से दिए थैंक यू थैंक यू तो ये थे के चौहान जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दुर्ग इन्होंने बताया है 2023 में जनता विश्वास करेगी और इनकी सरकार बनेगी ये दावा भी करते हैं और अपना अपने पद में रहते हुए काफ़ी लोग कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश भरने का काम कर करेंगी ऐसा भी ये संकल्प लेते हैं हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्रेंडी सी न्यूज़